हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु 6 मार्च को साल 2017-18 का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि बजट का आकार पिछले साल के बजट से बड़ा होगा। बजट में बिजली, पानी, सड़कों, रोजगार देने और बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर फोकस होगा। साथ ही वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कैग रिपोर्ट को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। जिन जिन विभागों पर कैग रिपोर्ट ने सवाल उठाए हैं उनमें सुधार होगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कैबिनेट मंत्री वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से खास बातचीत की। प्रदेश का बजट 6 मार्च को हरियाणा विधानसभा में पेश होगा। किन किन सेक्टरों पर सरकार का फोकस रहेगा, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। इनसे जानते हैं कि किन किन सेक्टरों पर सरकार का फोकस रहेगा। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का यह तीसरा बजट पेश होगा और पहले दो वर्षों में हमने कोशिश की है कि हरियाणा प्रदेश की जो वित्तीय व्यवस्था, वित्त प्रबंधन है, उसमें पारदर्शिता लाई जाए, उसमें शुचिता लाई जाए, उसमें जवाबदेही लाई जाए। और दो वर्षों में हमने इसमें काफ़ी हद तक सुधार किया है। हरियाणा के पूरे वित्त प्रबंधन को हमने ऑनलाइन कर दिया। एक भी पैसा सरकार के खजाने में आए, एक भी पैसा सरकार के खजाने से जाए, वह पूर्ण रूप से वह ऑनलाइन होगा, हो गया है। बहुत सारी जो लीकेज थी, पिलफरेज थी, उस पर हम चेक लगाने में कामयाब हुए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग, आधार कार्ड का उपयोग, बहुत सारी फजूल खर्ची बचाने में भी कामयाब हुए। और पिछले दो वर्षों में हमने तमाम जितनी वित्त प्रबंधन की जो मर्यादाएं हैं उनके अंदर रहते हुए हरियाणा की आर्थिक उन्नति में तेजी लाने का काम किया, उसके परिणाम भी सामने आने लगे। पहले दो वर्षों में हमने कोशिश की कि हरियाणा की जो आधारभूत संरचना है, इसमें सड़कें हैं, बिजली की व्यवस्था को सुचारू करना है, पानी की व्यवस्थाएं जो हैं बेहतर करनी है, इरीगेशन, हमने उस पर फोकस किया। और हमने किसान को तकलीफ ना आए और 2800 करोड़ रुपए के करीब किसान को प्राकृतिक आपदा के कारण से मुआवजा देने का काम किया। किसान के लिए चाहे गन्ने का समर्थन मूल्य हो, यहाँ तक बाजरा और मूंग भी हमने समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम किया। किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा और आम आदमी जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन है, विकलांगता सम्मान पेंशन है, विधवा सम्मान पेंशन है, इन तमाम पेंशनधारियों हर महीने के पहले सप्ताह में सीधे बैंक के माध्यम से 1600 रुपये पहुंचाने का काम किया। स्कूलों की स्थितियां, उसमें टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे, उनको करने का काम किया। हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जिसने सातवें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय किया है और हमने लगभग 4000 करोड़ रुपये इस साल अतिरिक्त कर्मचारियों को पे और पेंशन के माध्यम से देने का काम किया। हरियाणा ने अपने बिजली जो कंपनियां हैं उनके वित्त प्रबंधन को सुधारने के लिए उदय नाम की जो भारत सरकार का योजना थी उसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग 26000 करोड़ रुपए हमने बिजली कंपनियों का सरकार के ऊपर कर्जा जो पिछली सरकारों का छोड़ा हुआ था अपने सिर पर लिया और लगभग बिजली कंपनियों को इसमें 3000 करोड़ रुपए की ब्याज की बचत हुई, जिसके कारण से बिजली कंपनियों पर बोझ कम पड़ेगा और बिजली की दरों को कम करने का काम किया। वहीं जो हरियाणा सरकार के ऊपर ये ऋण का बोझ आया वो तो कुल मिलाकर के जो इसकी जो ब्याज है इसके ऊपर लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपये सालाना राज्य सरकार के ऊपर, इस चाहे बिजली कंपनी हो या राज्य सरकार हो, इसमें बचत हर वर्ष होने वाली है। इस वर्ष हमारी कोशिश है कि जहाँ हरियाणा के लोग शहर में और गांव में रहते हैं, उनके घर के सामने की गली, पीने का पानी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल निकासी, तो नगर और ग्राम विकास की बहुत बड़ी योजनाएं और उसका फोकस हमारा बजट में हो। वहीं तो युवा है, उसको रोजगार सृजन की संभावना अधिक से अधिक उसके घर के पास बन पाए, इस दिशा में हमारा बजट जो है ये विशेष प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुल मिलाकर ये 2.5 करोड़ लोग जो हरियाणा के मालिक हैं, हम उनको इष्ट देव मान करके उनकी पूजा करते हुए इस बजट का एक एक पाई पाई उनको समर्पित करने का काम करें। कैप्टन साहब, मैं आपसे बजट तो नहीं पूछूंगा कि कितना बजट बढ़ेगा, लेकिन मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि बजट का आकार जो होगा वो पहले से कितने % ज्यादा होगा।
अनिल जी, ये केवल विधानसभा को अधिकार है जानने का कि बजट के आंकड़े, बजट का साइज, बजट की विकास की दर। मैं इसमें आपसे माफी मांगते हुए यही कहूंगा कि हमारी कोशिश है कि हरियाणा प्रदेश का जो आर्थिक वृद्धि की दर है, हम उसको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं, उसको बढ़ोतरी की ओर लेकर के जाएं। कैप्टन साहब, ठीक है कि आप आंकड़े नहीं बताना चाहते और मैं भी नहीं चाहूँगा कि एक परंपरा को तोड़ा जाए, बजट पेश होने से पहले ही आंकड़े बता दिए जाएं, लेकिन पहले से बजट ज़्यादा होगा या कम होगा? निश्चित तौर पर हर वर्ष बजट का साइज बढ़ता ही है, बढ़ोतरी की दिशा होगी और हरियाणा के आर्थिक विकास में तेजी लाने का ये बजट होगा। कैप्टन साहब, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट हरियाणा ने चिंता जताई है 1,20,718 करोड़ की देनदारियां और 99,660 करोड़ रुपये आंतरिक कर्ज पर जो है चिंता जताई गई है। इसके साथ साथ जो राजस्व घाटा है 11,000 से ऊपर और इसके साथ ही जो राजकोषीय घाटा है 31,000 से ज़्यादा पहुंच गया है, जिसका कैग रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। सरकार इस सब मुद्दों को लेकर क्या कदम उठाने जा रही है? देखिए, उन्होंने ये आंकड़े जरूर दिए, पर इसमें चिंता जताने वाली कोई बात नहीं, ना ही चिंता करने की कोई बात। हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान के उन राज्यों में है जो वित्त प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राज्य, और हमने देश भर के वित्त राज्यों में वित्त प्रबंधन में सबसे ज़्यादा अवार्ड भी पिछले 2 वर्षों में प्राप्त किए। आपको भी ध्यान होगा कि देश की प्रतिष्ठित मैगजीन ने पिछली सरकार की तुलना में हमारी सरकार के कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ वित्त प्रबंधन की दृष्टि से, जो हमारी रैंक 14 थी 1 साल पहले, उससे हमारी सरकार आने से हमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया। और हमारा चाहे वो राज्य का कर्ज हो और चाहे वो हमारा राजकोषीय घाटा हो, वह पूरी की पूरी जिस तरह से जो श्रेष्ठतम मर्यादाओं का पालन करने वाला। कैप्टन साहब, आपने बिजली विभाग का अभी जिक्र किया है कि उस पर कर्जा घटाने के लिए उदय स्कीम के तहत ऋण जो है सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 2,116 करोड़ रुपये जो नुकसान हुआ है, उस पर भी कैग रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और चिंता जताई गई है। देखिए, बिजली कंपनियों का लॉस ये चिंता का विषय, और हमने जब इस बार उदय नाम की जो स्कीम है जब इसमें हिस्सा लिया, इसमें हरियाणा शामिल हुआ, तो बिजली कंपनियों के साथ एक अनुबंध के आधार पर शर्तों पर शामिल हुआ। तो हरियाणा सरकार ने इतना बड़ा 26,000 करोड़ का बिजली कंपनियों का जो ऋण है वो अपने ऊपर लिया, तो उनको अपने घाटे कम करने होंगे, और हम संकल्पबद्ध हैं कि बिजली कंपनियों को उस अनुशासन में लेकर के आएंगे, उनको घाटे कम करने ही होंगे। ये हरियाणा की जनता के हित में है कि बिजली कंपनियां अपना घाटा कम करें। कैप्टन साहब, गुरुग्राम का एम्यूजमेंट पार्क जो है उसको लेकर जो है 428 करोड़ रुपए सवाल उठाए गए हैं कि वो सरकार जो है उससे वसूल करने में असफल रही है, तो इसको लेकर सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है? अनिल जी, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं, ये मेरे विभाग से संबंधित भी नहीं है और मुझे वास्तव में इसके बारे में जानकारी। कैप्टन सर, चलो आपके विभाग की पूछ लेते हैं। एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो है उसको लेकर भी कैग रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और 60 करोड़ रुपये जिक्र किया गया है कि सरकार की लापरवाही के चलते वो वसूले नहीं जा सके, तो ये क्या वजह रही पीछे इसके? मेरे संज्ञान में विषय नहीं आया था, लेकिन हमने पिछले 2 वर्षों में एक्साइज टैक्स की कलेक्शन में पिछले कई सालों की तुलना में बहुत वृद्धि की है, और मैं इस मत का हूँ कि हरियाणा की सरकार के राजस्व में, खजाने में आने वाला एक एक पाई वह खजाने में आना चाहिए
और उसमें किसी भी प्रकार का कुछ समझौता नहीं होना चाहिए। ये कर राजस्व ये राज्य का ये आधार होता है और इसके माध्यम से ही राज्य के अंतर्गत जो समाज जीवन जीता है उसकी सारी व्यवस्था चलती है, उसकी खुशहाली, उसके कल्याण के, उसके विकास के योजनाएं लागू करने के लिए इस कर राजस्व की अत्यंत आवश्यकता रहती है। इसमें किसी भी प्रकार में कोताही को बर्दाश्त करने वाला मैं नहीं। कैप्टन साहब, प्रधानमंत्री की योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इसके साथ साथ जो है लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली पर भी कैग रिपोर्ट में सवाल उठाए गए, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्य करने जा रही है जिससे आगे कैग की रिपोर्ट में सवाल ना उठ सके? देखिए, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कैग का ही काम है कि जहाँ इतने कई हजारों करोड़ रुपए के बजट में जहाँ लेन देन होता है, काम होता है, तो उसमें कई प्रकार की खामियां काम करने में होती हों, कोई अकाउंटिंग की गलती होती है, कोई एरर ऑफ कमीशन होता है, कोई एरर ऑफ कमीशन होता है, कोई गलती से होता है, कुछ जानबूझ करके होता है, और इस कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार फिर अपने विभागों में अपने काम में सुधार लाती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी पर कार्रवाई करनी होती है और वह सब विषयों पर हम गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। उसके साथ साथ ये प्रयास करेंगे कि जो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, परंतु मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव ये कहता है, काम किया जाएगा, काम करते करते मनुष्य के गुण दोष उस काम को प्रभावित करते हैं, इसीलिए प्रशासन अपना काम करता रहेगा और कैग उसमें कोई खामियां अगर सामने आती हैं तो उनको सामने लाने का काम करता रहेगा। यही सुधार की प्रक्रिया है। ऑडिट किसी भी प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, तो ऑडिट एक कंट्रोल का एक बड़ा टूल है, तो ये कम से कम ऑब्जेक्शन आए ये प्रयास रहना चाहिए, जीरो ऑब्जेक्शन आए प्रयास रहना चाहिए। और ऑडिट का एक काम है कि कहीं भी इस प्रकार की कोई गलतियां हुई हैं उनको निकालने का काम वो करे, इसी से व्यवस्था चलती है। थैंक यू कैप्टन साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ कैप्टन अभिमन्यु, इनका कहना है कि 6 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और उनमें किन सेक्टरों पर फोकस किया जाएगा, उसमें बिजली, सड़कें और लोगों को रोजगार देने पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हाल ही में कैग रिपोर्ट जारी की गई है, सरकार उस पर गंभीरता से कदम उठाएगी और भविष्य में ऐसा ना हो इसका प्रयास करेगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।